राम राम जी मेरे भाइयों। भाई आज हमारे पास है ओनली कावासाकी Z900 2024 मॉडल। एंड भाई इस बाइक का नाम बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चों को पता है भाई इस बाइक का नाम क्या है, अपनी कावासाकी Z900। तो बताने वाले इस वीडियो के अंदर भाई क्या पड़ रही है अपनी एक्सोरूम, क्या पड़ रही है अपनी ओन रोड डेली प्राइसिंग के अंदर, और क्या क्या फीचर्स न्यूली अपने एड ऑन हुए हैं इस बाइक के अंदर। तो बराबर से करते हैं वीडियो को अपनी स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो जो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट से मिलता है आप छोटा सा मिलता है आपको वाइजर, जिसमें आपको नंबर प्लेट की मिलती है प्लेसमेंट इस तरीके से। एंड साइड मिलते हैं आपको लगे हुए इंडिकेटर जो मिलते हैं एलईडी के अंदर। एंड ये थोड़े से अपने हार्ड मिलते हैं एंड इजीली अपने ये टूट भी सकते हैं। एंड नीचे बात करते हैं अपने, तो यहाँ मिलती है आपको 900 की ब्रांडिंग, बिल्कुल भाई अपनी ये 900 सीसी की बाइक देखने को मिल जाती है आप सभी को। एंड यहाँ पर ये पूरा जिसका फेस मास्क है भाई, कुछ अलग से एक मॉन्स्टर वाला लुक अपना ये दे रहा है। एंड इसके अंदर अगर आप बाहर से आप थोड़ी बहुत भी अगर कस्टमाइजेशन करा लेते हो, मतलब बड़े बड़े करा लेते हो, तो भाई ये बाइक के चार चांद लग जाते हैं भाई, इसे बता रहा हूँ रियलिटी में। एंड वैसे भी इसका कलर जो अपना है वो इसका अपना ब्लैक कलर, थोड़ा सा ग्लिटर फिनिश में इसका कलर दिया हुआ है अपना, धूप में काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगी अपने जब बाइक बाइक बाहर खड़ी होगी धूप के अंदर। एंड नीचे बात करते हैं अपने इसके हेडलैम्प्स की, तो एक बार चार्ज कर लेते हैं। एंड भाई यहाँ लगे मिलती है आपको अपनी DRS 3 पॉइंट के अंदर, ऊपर से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा हूँ, दोनों तरफ मिल रहे हैं आपको इस तरीके से। बाकी जो पूरा सा हेडलैम्प मिल रहा है वो मिल रहा है आपको आपको एलईडी सेटअप आप सभी को, हाई बीम लो बीम दोनों ही आपको अपने एलईडी के अंदर इसमें प्रोवाइड कर देती है कावासाकी अपनी। नीचे बात करते हैं सस्पेंशन की, तो भाई ये आपको अपने मोटे से मोटे इंपर्टेड फॉक मिल जाते हैं आपको, सस्पेंशन होता है USG फॉक मिल जाते हैं आपको देखने के लिए यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर आपको अपना फाइबर फिनिश का मिलता है आपको, मडगार्ड जो मिलता है ग्लिटर फिनिश के अंदर पूरा जो मिलता है, पूरा हाई बॉडी कलर के अंदर मिल जाता है। एंड बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना एक नार्डो ग्रे टच में आपको यहाँ पे आपको थोड़ी सी फिनिश दी हुई है इस तरीके से, यहाँ भी दी हुई है एंड आपको इस तरीके से यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। नीचे यहाँ मिलती है ABS की ब्रांडिंग भाई, बाइक के अंदर डुअल जन ABS, तो भाई इस बाइक के अंदर आम सी बात मिल जाएगा भाई आपको। एंड यहाँ पर आपको अपनी मिलती है डुअल डिस्क देखने को, जो मिलती है आपको अपनी 300 mm की मिलती है डुअल सिक्स, डुअल डिस्क देखने को मिल जाती है, दोनों साइड आपको ABS की मिलती है आपको ब्रांडिंग इस तरीके से। एंड यहाँ पर बात करते हैं बाइक के टायर साइज़ की, सो 20-17 इंच की मिल जाती है आपको अपने इसकी व्हील साइज आपको। एंड यहाँ पर बात करें अपने इसके एलॉय की डिज़ाइन की, तो भाई ये आपको इस तरीके से मिलती है डिज़ाइन में, एलॉय डिज़ाइन आपको आधी जगह तो उसके डिस्क में घेर के काफ़ी बड़ी मिलती है आपको, 300 में मिलती है डिस्क साइज देखने को। एंड बाकी जैसे इसका एलॉय सा कलर है वो आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। एंड आपको नियॉन कलर की इसके एलॉयज पे आते हैं ग्राफिक्स आपको इस तरीके से। एंड यहाँ पर एंड बात कर लेते हैं भाई बाइक की अपनी पहले मेन ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 145 mm मिलता है बाइक के अंदर आपको अपना ग्राउंड क्लियरेंस। एंड यहाँ पर आपको ये मिलते हैं इसके अपने हैडल जो मिलते हैं आपको उसे बैंड पाइप वगैरह, क्योंकि भाई बाइक आपको इनलाइन 4 मिल जाती है, 4 सिलेंडर बाइक है आपकी भाई इस तरीके से। एंड साउंड काफ़ी खतरनाक देखने मिल जाती है। एंड बात करें अपने रेडर ग्रिल की, तो भाई काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ी मिलती है इसकी अपनी रेडर ग्रिल। एंड यहाँ पर आपको सिंगल टोन आपको अपना सिंगल हॉर्न दिया गया है इस तरीके से। एंड नीचे आपको अपना कोई भी कवर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको छोटा सा अपना प्लास्टिक कवर मिलता है, कि भाई अगर मान लो कोई कवर लगा भी देंगे तो भाई ये अपने जो अपने आपके से बैंड पाइप है ये अपने हीट होकर उस कवर को अपने मतलब जला देंगे या उसको पिला भी देंगे। एंड यहाँ पर छोटा सा मिलता है कवर आपको देखने में यहाँ तक, ताकि भाई थोड़ी सी जो अपने इंजन का थोड़े बहुत सामान वामान आपको ताम झाम ना दिखे अपना मोटा मोटा। एंड यहाँ मिलते हैं इसके ब्रेक पैड जो मिलते हैं आपको एल्यूमिनियम के अंदर देखने को, फुटर्स मिल जाए देखने को। एंड बाकी ये पूरा पोर्शन मिलता है इसके एल्यूमिनियम के अंदर यहाँ पर भी इतना। एंड बाकी जो इसका फ्रेम है आपको यहाँ तक आपको अपना ओपन रखा गया पूरा। एंड यहाँ पर जो पूरा इंजन है जो अपने इंजन मिल जाता है वो पूरा आपको विजिबल आपको दिखा करा गया आपको इस तरीके से। एंड यहाँ पर आपको अपना मैट ब्लैक फिनिश मिल जाता है आपको, 900 cc का मिलता है देखने का आपको इंजन इस तरीके से। एंड यहाँ पर भी आपको एल्यूमिनियम का पार्ट पूरा दिया हुआ है, फुटर्स मिल जाती है एल्यूमिनियम की। एंड यहाँ पर भी इसमें एल्यूमिनियम का अपना पूरा यूज़ करा गया, ये मिलता है अपना एग्जॉस्ट इस तरीके से। एंड यहाँ पर भाई आपको कोई भी अपनी ग्रिप हैंडल्स वगैरह इसमें बाइक के अंदर नहीं दी गई हैं अपनी। एंड पीछे दिखाता है टेल स्टेशन आपको इस तरीके से, एक बार कर देता हूँ चाबी अपनी एक बार ऑन, तो भाई इस तरीके से मिलती है आपको अपनी एक्स टाइप में मिल जाती है देखने को इस तरीके से, जो जेड है अपनी ऐसे मिलती है आपको, जिसमें आपको अपनी एलईडी अंदर आपको दी गई है। एंड करते हैं इसको ब्रेक पे प्रेस, तो भाई अपनी एलईडी इस तरीके से कुछ अपना रिस्पॉन्स करेंगी लाइट्स का। एंड बाकी ये मिलता है इसका पूरा टेल सेक्शन अपनी पूरी अपनी छोटी सी मिलती है आपको टेल लाइटी, बट भाई बहुत से जब बाइक लेते हैं तो भाई बहुत से बंदे क्या होता है या इसको अपने रिमूव करा के अपनी छोटी वाली जो टेल्टी होती है वो टायर का लुक दिखाने के लिए उसको लगवा लेते हैं भाई, उससे लुक काफ़ी बाइक की चार चांद लग जाता है बाइक के लुक्स के अंदर। एंड यहाँ मिलती है इसकी आपको एलईडी लाइट, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, यहाँ लग के मिलते हैं आपको देखने को रिफ्लेक्टर छोटे छोटे यहाँ पर चाबी ऑफ कर देते हैं भाई, कि बाइक की बैटरी अपनी लो हो जाती है।
एंड भाई यहाँ पर आपको कोई भी अपना 60-150 का लगकर नहीं मिलता भाई, क्या करना भाई, पीछे बैठने वाला बंदा भी कोई बैठेगा इसके अंदर तो, क्योंकि भाई सीट छोटी सी मिल जाती है, बैठते बहुत है बट भाई काफ़ी हार्ड इसकी सीट देखने मिल जाती है। नीचे बात करते हैं तो यहाँ लगे मिलता है इसका फाइबर का चेन कवर, यहाँ मिलता है इसका स्विंग गम वगैरह, जहाँ पर आपको अपनी चेन क्लीनिंग का प्रोसेस बता रखा है। एंड बाकी इसमें आपको अपना फ्रंट में एंड रियर में आपको कितना अपना टायर प्रेशर मेंटेन रखना है उसका आपने यहाँ पर अपने बता रखा है अपना। एंड पीछे वाले बात करते हैं टायर सेक्शन की, तो भाई यहाँ पर आपको 180/55Z R17 इंच का मिलता है आपको ट्यूबलेस टायर देखने को। एंड यहाँ पर भी आपको मिलता है अपना और भाई 180 mm का टायर, भाई कितना बड़ा होगा भाई, एक पूरे हाथ में नहीं आएगा ऐसा करके, कम से कम एक मेरा आधा हाथ और चाहिए इसे कवर करने के लिए। एंड यहाँ पर अभी आपको ग्लॉसी ब्लैक ही मिल जाता है अपने एलॉयज, जिसमें आपको अपनी ग्रीन कलर में, नियॉन कलर में इसकी आपको अपनी ग्राफिक्स अपनी हुई हुई है। ओके एंड बात करते हैं पीछे बैठ अपनी डिस्क साइज़ की, तो 250 mm की मिलती है बाइक के अंदर आपको अपनी डिस्क साइज़ लगी हुई। एंड यहाँ लग के मिलता है आपको इसका मोनो सस्पेंशन मिलता है भाई, और जैसे नॉर्मल बाइक होती है उसमें क्या होता है वो ऐसे मिलता है सस्पेंशन, खड़ा मिलता है, बट इसमें आपको ऐसे दिया गया है पूरा, मतलब पूरा उसको लिटा दिया गया अपने सस्पेंशन को, ठीक है ऐसे मिल जाता है। एंड बाकी यहाँ पर पीछे वाले डिस्क के लिए दी गई है अपनी ब्रेक ऑयल की डब्बी दी गई है इस तरीके से। साइड में आते हैं अपने तो यहाँ पर भी सेम आपको फुटरेस्ट एल्यूमिनियम का पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर भी फुटरेस्ट मिल रही है। एंड यहाँ पर आपको कुछ शिफ्टर वगैरह आपको मिल जाता है बाइक के अंदर, आपको अपने 6 स्पीड मिलते हैं, गियर बॉक्स मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये पूरा इसके अंदर पूरा बाहर निकला हुआ है, जब बाहर से बाइक लोगे तो भाई बाइक के अंदर आपको अपने क्रैश गार्ड वगैरह अपना इंस्टॉल कराने होंगे भाई, अगर बाइक आपकी इनके वगैरह खास गिर जाती है तो भाई ये आपके जो इंजन कवर होता है, क्रैश कवर होता है भाई, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपको डैमेज वगैरह आ जाएगा अपना। तो भाई बहुत से लोग भाई इतनी महंगी बाइक लेंगे तो वो लगवा ही लेते हैं अपना क्रैश गार्ड वगैरह इसमें, ठीक है। एंड भाई बात करते हैं अपने बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 70 लीटर का मिलता है बाइक के अंदर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। एंड ये पूरा मिलता है आपको अपना मेटल फिनिश के अंदर देखने को। एंड जो साइड मिलते हैं काउस अपने, वो मिलते हैं प्लास्टिक फिनिश के अंदर आप सभी को। एंड यहाँ पर भी एंड ये मिलती है, ये मिलती है इसका आपको फ्यूल फिल्टर कैप, जैसे तरीके से पेट्रोल भराओ चलाओ। और अपनी बाइक के अंदर आप आपको E5 E10 की मिल रही है ब्रांडिंग, बाइक के अंदर आपको अपना 70 लीटर का दिया है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इतने बड़े क्यों दी गई है भाई, बाइक के अंदर एवरेज ही नहीं है तो भाई इतना बड़ा देना बनता ही बनता है भाई अपना फ्यूल टैंक का, फ्यूल टैंक आपको। एंड बात करते हैं अपने कीज़ की, तो भाई यहाँ पर आपको दो मिलती है कावासाकी की ब्रांडिंग साथ मिलती है आपको अपनी कीज़ इस तरीके से, बट इसके अंदर भाई कोई भी वेव की वगैरह नहीं मिलती। एंड सही बात भी है वैसे भाई, पर इतना पैसा पे कर रहे थे तो मिलनी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं, जिस बाइक को बाइक लेता है अपनी उसको पावर चाहिए एंड उसका लुक्स चाहिए, तो ये छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता भाई अपना। इसको करते हैं बाइक को अपने इंसर्ट एंड दिखाते हैं इसका अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो भाई ये कावासाकी की मिलती ब्रांडिंग आपको इस तरीके देखने में। एंड यहाँ पर आपको अपनी 12 हज़ार तक की मिलती है RPM लिमिट। एंड बात करते हैं अपने इसके मोड्स की, तो भाई यहाँ पर आपको अपना रेन रोड एंड स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से अपनी बाइक्स के कंट्रोल्स होंगे सारे मोड्स, ट्रिप ए ट्रिप बी रियल टाइम एवरेज रेंज एंड सारी चीज़ आपको यहाँ पर अपनी बैटरी वोल्टेज सब दिखाया जाएगा विद टाइम्स वगैरह। एंड आपकी फ्यूल फ्यूल कितना आपको लो है दिखाया जाएगा, बाइक कितने आपको टेम्परेचर दिखा रखा है टाइम सब दिखाया जाएगा। एंड कितने किलोमीटर आपकी बाइक चल चुकी है, कितनी स्पीड में चल रही है, यह मिलती है इसकी बेंडिंग आपको उस तरीके देखने में। एंड यहाँ पर आपको इंजन चिकट मिलती है देखने को, यहाँ मिलती है आपको न्यूट्रल लाइट आपको इस तरीके देखने में। एंड यहाँ पर आपको करते हैं अपने कंट्रोल्स, एंड यहाँ से अपने आप कंट्रोल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी मीटर वगैरह रियल टाइम एवरेज आप सारी चीज़ यहाँ पर अपनी इससे आपने सेट कर सकते हैं इन तरीके कंट्रोल से। एंड यहाँ पर आपको मिलता है पासिंग स्विच, ये आपके अपनी लाइट्स का हाई बीम लो बीम स्विच मिलता है, मिलता है इंडिकेटर स्विच, एंड मिलता है आपको अपना हॉर्न स्विच, ये मिलता है आपको अपना हजार्ड का ऑप्शंस, यहाँ मिलता है आपको इंजन किल स्विच, मिलता है आपको मेन इसका दिल का स्विच जो इसका है अपना मेन इंजन उसका आपको मिलता है स्विच अपना। एंड मिलते हैं ग्रिप हैंडल्स, काफ़ी आपको देखने में सॉफ्ट मिल जाते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एंड जिसको मिलते हैं आपको अपने वेट, जो वेट मिलते हैं तो भाई ये थोड़े से आपको अपने शार्प इजी टाइप में मिल जाते हैं इस तरीके से। एंड मिलते हैं आपको इस लीवर, भाई जेड 900 cc बाइक है एंड जो इसका लीवर है भाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिलता है, मैं आपके अपनी सिंगल उंगली से आपको ये प्रेस कर सकता हूँ, देखो ये देखो भाई। एंड अपनी एक बात और है, जो अपने लीवर्स है इनके आप अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग, अपने राइड के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप इनके एडजस्टेबल अपने लीवर्स कर सकते हैं। ब्रेक्स भी है एंड लीवर्स भी आपको देखने में मिल जाता है आपको एडजस्टेबल। पूरी आपको डिटेल्स मिल चुकी है बाइक्स के बारे में, बताते हैं भाई आपको मेन इसका इंजन की कितना पावर है, कितनी स्ट्रोक वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है। बाइक आपको लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक मिलती है। एंड बात करते हैं बाइक के अपने मैक्स पावर की, तो भाई ये 125 PS की पावर प्रोड्यूस करते हैं। बात करते हैं इसके मैक्स टॉर्क की, तो 198
0.6 Nm का टॉर्क बाइक प्रोड्यूस करती है। बात करते हैं बाइक के अपने इसके एवरेज की, तो भाई कितना देती है ये, ज़्यादा 10-12 का अपना एवरेज निकाल देती है आराम से। एंड भाई आप इसमें मोड्स होते हैं अपने, रेन, रोड, स्पोर्ट होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में लड़के भाग हुए भाई आपके एवरेज भाई अपनी 9, 8, 9, 10 की आपकी एवरेज मिलेगी। एंड थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और रिलैक्स देते हैं बाइक पे, ज़्यादा टोटल वगैरह नहीं देते, तो भाई आपको 11-15 की आपको एवरेज निकाली दे देगी आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं। एंड बात करते हैं बाइक के अपने पहले मेन क्या एक्स शोरूम प्राइस की, तो भाई ये आपको पड़ती है 9,38,000 की पड़ती है आपको अपने एक्स शोरूम प्राइस के अंदर, 9,38,000 की पड़ती है ऑन एक्स शोरूम प्राइसिंग के अंदर। एंड भाई आपके यहाँ पर स्टेट बाय स्टेट कैरी करता है कि भाई आपकी ऑन रोड प्राइस क्या बैठेगी। एंड जी आपके यहाँ पे कोई भी आपका नियर बाय शोरूम है अपना कावासाकी का, तो पता करो भाई आपके जेड 900 कितने की पड़ रही है ऑन रोड प्राइसिंग के अंदर। तो भाई ये थी कुछ बाइक्स। एंड भाई बाइक का भाई का शोरूम अपना अभी ओपन हुआ है अपना, एंड यहाँ पर आपको अपनी और भी बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड बाइक का मैं शोरूम का फ़ोन नंबर एंड एड्रेस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिलअप कर दूंगा। एंड भाई काफ़ी आपको अच्छी डील मिल जाएगी, मेरे नाम से आओगे तो भाई आपको काफ़ी अच्छी डील मिलेगी। एंड भाई जो भी आपको अपना डिस्काउंट होगा वो भाई आपको करके देंगे अपनी ऑन रोड प्राइसिंग के अंदर। ओके, तो बाइक के अंदर भाई आपको अपना जेड 900 के अंदर 820 एनएम मिल रही है। बाइक के अंदर आपको सीट हाइट लगकर एंड भाई जो उसकी अपनी ड्राइवर वाली जो अपनी राइडर वाली सीट है भाई ये तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत सॉफ्ट मिल रही है। एंड इसमें आप अपना ठीक ठाक अपनी राइड अपनी कर सकते हो, बट जो पीछे वाले पे जो अपना आपका बंदा पिलियन जो बैठेगा भाई उसकी जो सीट है ना भाई काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी हार्ड देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको मिलता है अपना स्ट्रिप मिल जाए देखने को, क्योंकि बाइक के अंदर आपको कोई भी अपनी ग्रिप हैंड्स वगैरह पकड़ने को नहीं मिलते जो बंदा पीछे बैठेगा पिलियन भाई, तो उसके लिए आपको ये यहाँ पर आपको स्ट्रिप दिख रही है, बेल्ट दिख रही है आपको पकड़ने के लिए मिल जाती है इस तरीके से। फटाफट से करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पर अपनी एंड, और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जान से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। एंड भाई शोरूम का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिलअप कर दूंगा, तो वहाँ चेक कर लेना। एंड भाई यहाँ पर आपको अपनी जो भाई जो बाइक बोलोगे आपको वो बाइक आपके अपने ऑर्डर पर अपनी अवेलेबल हो जाएगी। एंड आप तो देख सकते हो यहाँ पे खड़ी है जेड 900, खड़ी आपको कावासाकी 300। अभी अपनी रिसेंटली अपना ये शोरूम अपना ओपन हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा बाइकें नहीं है, बट अभी एक दो दिन के अंदर यहाँ पर अपने स्टॉक भी पूरा भर जाएगा अपना ZX 10R एंड 6R वगैरह आपके सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी देखने को बाइक की। तो इसलिए करते हैं फटाफट से अपनी वीडियो को यहाँ पर अपनी एंड, और मिलते हैं आपको जल्दी से ऐसी ही एक और सी अच्छी सी नेक्स्ट जो वीडियो को फैप ले। टाटा बाय बाय। एंड आप से भी अपना ध्यान रखें। राम राम भाइयों।